एक सामान्य इंसान अपने जीवन काल के 25 साल सोने में निकाल देता है और इन 25 सालों में वह 6 साल तक सपने देखता है। तो आखिर सपने होते क्या हैं, कितने स्टेज होते हैं इसके और इनके पीछे का विज्ञान क्या होता है, तो आइए जानते हैं। लूसिड ड्रीमिंग्स, इस प्रकार के सपनों में आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो और आप अपने सपनों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हो। आप उड़ सकते हो या अपनी पसंद की जगह पर जा सकते हो, परंतु आपको पता होगा कि आप सपने में हो। कुछ केसेस में यह पाया गया है कि लोगों ने अपने सपनों में पहले ही वह घटनाएं देख ली थी जो कि भविष्य में होने वाली हो। जैसे कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था तो कुछ लोगों को वह पहले ही सपने में अंदाजा हो गया था, और अब्राहम लिंकन को अपनी हत्या का शक पहले ही सपने में हो गया था। वर्चुअल रियलिटी यानी कि काल्पनिक दुनिया को वास्तविक रूप में देखना ही सपना है। सपनों में हम वही चीज़ें देख सकते हैं जो कि हमने अपनी वास्तविक दुनिया में देखा हो, भले ही आपको याद ना हो। हमारी दुनिया में कुछ आविष्कारों के आइडिया भी सपनों में आए हैं, जैसे लेरी पेज के गूगल का आइडिया सपनों में आया था, टेस्ला को एसी करंट का आइडिया सपने में आया था, सिलाई मशीन, प्रिडिक्टेबल, इन सब का विचार सपने में आया था, फिर इनका आविष्कार हुआ। स्लीप पैरालिसिस, आप कईयों ने अनुभव किया होगा कि आपको कोई सपना आता है तो आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे होते। इस अवस्था में हमारा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। हमें यह तो मालूम होता है कि हम नींद से बाहर हैं, परंतु फिर भी हम अपने शारीरिक अंगों को हिला नहीं पा रहे होते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे दिमाग और शरीर में तालमेल नहीं बन पाता है। आप तो सो चुके होते हैं पर आपका दिमाग नहीं सोया होता। डाइमेथल ट्रिप्टामाइन, यह केमिकल हमारा दिमाग तब छोड़ता है जब हम सोते हैं ताकि हमें सपने आए, लेकिन अब इसका इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में भी हो रहा है। इसके असर से इंसान जैसे चाहे वैसे सपने देख सकता है। हालांकि यह दुर्लभ और गैरकानूनी है, फिर भी कई देशों में लोग इसका यूज स्ट्रेस को दूर करने के लिए करते हैं। आपको एक मज़ेदार बात बता दूं कि सन 1915 से 1950 तक के अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमारे टीवी देखने से भी हमारे सपनों पर असर पड़ता है। इसके अनुसार पहले सिर्फ 12% लोग ही ब्लैक एंड वाइट सपने देखते थे, क्योंकि उस टाइम ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न थे। मगर 1960 के बाद जब कलर टीवी का आविष्कार हुआ तो यह आंकड़ा पहले से घटकर सिर्फ 4% ही रह गया। सपनों पर अध्ययन से पता चला है कि ज़्यादातर लोगों को बुरे सपने आते हैं। लगभग 70% सपने बुरे होते हैं, वह 30% सपने ही लोगों को सुकून देते हैं। सपने हमेशा जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। माना जाता है कि सपने साइन भाषा में बात करते हैं, जो कि दिखा कुछ और रहे होते हैं और इनका मतलब कुछ और होता है। जो भी हो, वैज्ञानिक अभी इसकी गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल साइंस नॉलेज एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी और साइंस रिलेटेड वीडियो के साथ। धन्यवाद।